अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा और आज मैं आपको सिखाना जा रही हूँ चिकन और कद्दू का सालन। चिकन जो है वो मैंने लिया है हाफ के जी यानी कि आधा किलो। कद्दू जो है मैंने लिए है वो भी हाफ के जी यानी कि आधा किलो मैंने लिए है। ये देखिये मैंने इस तरह के क्यूब में काट लिए है। नमक जो है वो मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगी इसमें। सुर्ख मिर्च जो है वो मैं इसमें 1.5 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। सूखा धनिया का पाउडर जो है वो इसमें मैं 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। लहसुन 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। टमाटर जो है 2 अदद क्यूब्स में कटे हुए इस्तेमाल करूंगी। प्याज 1 अदद इस्तेमाल करूंगी। अदरक जो है वो पेस्ट 1 चम्मच। हरी मिर्च 4 से 5 अदद मैंने ब्रीक काट ली है। ऑयल जो है वो मैं 1/2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी जो है वो हसब जरूरत, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है तो मैं इसमें 2 ग्लास शामिल करूंगी। दालचीनी जो है वो मैं 2 स्टिक्स शामिल करूंगी। बड़ी इलायची जो है वो मैं 2 इस्तेमाल करूंगी। हल्दी पाउडर जो है मैं 1/6 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। काली मिर्च जो है वो मैं 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। जीरा भी मैं 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी और गरम मसाला भी मैं 1 चम्मच ही इस्तेमाल करूंगी। चलिए आए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ऑयल को कुकर में डालूंगी। हम कुकर में बनाना है सारा। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो है वो 1/2 नमक डालूंगी ताकि हमारा चिकन जो है वो नीचे ना लगे। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। नमक को थोड़ा मिक्स कर लूंगी। मैं चिकन को डाल के इसमें फ्राई करूंगी। इसी तरह से मैं चिकन को लाइट ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। चिकन जो अच्छा बन जो है वो देर हो चुका है। देखिए तो मैं दोबारा से सर्विंग के लिए डाल दूंगी, निकाल लूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन का लाइट ब्राउन कलर आ गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसी ऑयल में प्याज डालूंगी। और इनको लाइट ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करूंगी। 1 चम्मच मिक्स करूंगी। लहसुन को भी लूंगी अच्छे से मैं। लहसुन हमारा भून चुका है। मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं लहसुन और प्याज जो है हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक डालूंगी 1 चम्मच। पिसी हुई अदरक का मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें हरी 4 से 5 मिनट डालूंगी। टमाटर डालूंगी। बाकी का बचा हुआ नमक शामिल करूंगी। लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। जो भी हमारे सारे इंग्रीडियंट्स है ये शामिल करूंगी। सूखा धनिया शामिल करूंगी। क्योंकि मैंने शोरबा लगाना है तो शोरबे में जो उनसे प्याज और टमाटर है वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं इसको ये मैदानी की मदद से क्रश करूंगी ताकि ये सब पीस जाए। इसी तरह से हमने सारा पेस्ट लेना है, इसे पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जो है मसाले का वो मेरा तैयार हो गया है। और मैं इसमें दही थोड़ा सा 2 चम्मच शामिल करूंगी। आप दही का अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, मैंने शामिल कर दिया इसमें दो चम्मच तेल, क्योंकि दही में जौन सी चिकन होती है वो अच्छे से गल जाती है और उसका टेस्ट भी जौन सा वो अच्छा आने लगता है। अब मैं जौन सी चिकन फ्राई की हुई है इसमें वो शामिल करती हूँ। मैं इसे अच्छे से भून लूंगी 2 से 3 मिनट तक। चिकन जो अंशा है वो मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें कद्दू शामिल करूंगी। अब मैं इसमें कद्दू डाल रही हूँ। चिकन और कद्दू जो अंशा है हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। आप अपनी मर्जी के तहत आपने जितना पानी लगाना है इसमें आप लगा सकते हैं। पानी लगाने के बाद मैं इसको स्टीम दूंगी। पानी जो अनुसार वो मैंने लगा दिया। अब मैं इसको स्टीम पे लगा रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक वो गल ना जाए। आप देख सकते हैं चिकन जो अनुसार वो हमारा 5 से 10 मिनट के लिए बन रहे हैं। हम इसमें कद्दू चिकन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। अब मैं इसे सर्व करूंगी।